शिट। अरे क्रिश भाई रुको। हाँ बताओ भाई। भाई क्या बताऊँ, फोन इतना लैग मारता है भाई, गर्म हो जाता है, इसको पकड़ा भी नहीं जाता, इतना गर्म हो जाता है, लैग मार के भाई क्या ही बताओ, मुझे खेल नहीं देता है, मिनी भी मुझे मार के चला जाता है, फोन इतना लैग करता है, क्या करूँ भाई, इतना सा प्रॉब्लम। भाई मेरा फ़ोन को देखो, ये रहा मेरा फ़ोन, देखो ये भी बहुत अच्छा फ़ोन नहीं है, मैं इसमें यूज़ करता हूँ ये कूलर, और इस कूलर को लगाओगे तो आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, लैग भी नहीं होगा, बहुत आराम से तुम क्लिक कर सकते हो, और देख सकते हो इसमें फ़ैन वगैरह बहुत अच्छा सिस्टम है इसका, आप फ़ोन के चार्जर से भी आप चला सकते हो। तो दोस्तों आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन हीट हो रहा है, लैग कर रहा है आप एनिमी को, आपको भी ऐसा कूलर बनाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और हमारे चैनल पे ऐसे ही मेक रिलेटेड वीडियो आता रहता है, आपको पसंद है ऐसे मेक रिलेटेड वीडियो किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए ऐसे एक पीवीसी पाइप लेना है, इसको ऐसे शीट बना लेना है, नहीं बनाना आता चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक फ़ोन ले लेना है, जिस फ़ोन के लिए आप कूलर बना रहे हो, और जो फ़ोन आपको बहुत डिस्टर्ब करता है खेलने में, और आपके पास वही एक लौता फ़ोन है। उसके बाद आपको जो पीवीसी पाइप है उसको दोनों साइड से मोड़ देना है, थोड़ा सा गैस में हीट करके इसको हाथ से मोड़ सकते हो, तो ऐसा हमें मोड़ के इसको शेप दे दो, आप कैसे भी शेप दे सकते हो। उसके बाद इसको देखना फ़ोन में सही फिट हो रहा है या नहीं, आप एक फ़ोन के लिए बनाओगे तो पीवीसी पाइप है, दूसरे हर फोन में ये आराम से सेट होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर पीवीसी पाइप को आपको कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है सिर्फ आपको इतना रख देना है, जैसे कि फ़ोन हमारा अच्छी तरह से फिक्स तो हो जाना चाहिए। तो हाय दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में, मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे क्रिश एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीवीसी पाइप का जो कॉर्नर है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं होता है, उसको आपको अच्छी तरह से शेप में कट कर देना है, जिससे कि आपका कूलर बहुत ही अच्छा लगा। नीचे सब्सक्राइब बटन को भी दिखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है सब्सक्राइब बटन, उसको रेड है, उसको क्लिक करके ग्रे कर दो, और लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आप लाइक करते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे ये आराम से एक क्लिप की तरह लग जाता है फ़ोन में, और ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसके बाद आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है, जो कि आपको नल फिटिंग के शॉप में आराम से मिल जाएगा, और जो पीवीसी पाइप मैंने पहले दिखा था वो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा इसीलिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, हमारा जो पीवीसी पाइप है सर्कल वाला, उससे लेके आपको ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करने के बाद इसको आपको कट कर देना है। कैसे कट करना है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ सोल्डिंग आयरन का, तो सोल्डिंग आयरन से मैं कट कर रहा हूँ। देखो बहुत लोग क्वेश्चन करके भाई कैसे किए हो कैसे किए हो, भाई देख लो मैं कैसे किया हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अच्छी तरह से समझो, यही मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से समझ लो कैसे क्या करना है। उसके बाद सर्कल करने के बाद आपको सैंड पेपर से इसको अच्छी तरह से घिस देना है। उसके बाद हमारा जो पाइप पीवीसी वाला पाइप है उसका रेडियस ले लेना है, रेडियस से थोड़ा सा कम ले लेना है, ठीक है, और उसके सर्कल में कट कर देना है। तो कट करने के बाद आपको कुछ ऐसा सर्कल मिल जाएगा, ऐसा सर्कल कट करने के बाद आप सर्कल के अंदर ऐसे मार्किंग लगा देना, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप देख सकते हो कैसे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ स्केल से, आप वैसे ही मार्किंग लगा देना, मार्किंग ज़रूर लगा देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको डीसी मोटर लेना है, आपको कहाँ से लेना है आप मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, आप कोई भी कार वगैरह तोड़ तार के ले लेना, और आपके घर में कोई छोटा भाई है तो भाई उसका कार तोड़ देना, ठीक है, मेरा नाम मत लेना, कार तोड़ देना। उसके बाद आप देख सकते हो मोटर पे ये पेन आपको लगा देना है, ये कुछ यूज एंड थ्रो पेन बोल के यहाँ पर मार्केट में मिलता है, और इसको आपको कट कर देना है क्योंकि ये ना मोटर में बहुत ही इजीली फिट हो जाता है मोटर के होल में अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं इसको कट करने के लिए आड़ी का ही, उसके आप दूसरा कोई भी ब्लेड से इसको कट कर सकते हो, और खुद नहीं हो सके तो घर में किसी बड़े को बोल देना करने के लिए, कट कर देने के लिए वो आपको कट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पेन है इसको आपको मोटर के शाफ्ट में लगा देना है, और ये आपको मेक श्योर कर लेना है ये मोटर के शाफ्ट में टाइटली लग जाए, क्योंकि मोटर आपने भाई के कार से चुराना है, खरीद भी सकते हो 15 से 20 रुपये आ जाता है। उसके बाद हमने जो सर्कल बनाया था उसके मिडिल में आपको एक होल कर देना है, आप देख सकते हो मैं कैसे होल कर रहा हूँ, उसके मिडिल में आपको ये पेन वाला चीज़ लगा देना है, बहुत ही ईजी काम है, मैं जानता हूँ आप लोग कर सकते हो, और आप अच्छी तरह से करना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको आप अच्छी तरह से क्लिक कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल कर देना, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और यहाँ पर मैं जैसे सुपर ग्लू लगा रहा हूँ आप वैसे ही सब्सक्राइब बटन को
मतलब सब्सक्राइब बटन पे सुपर ग्लू लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक पीजी वाइप का नॉर्मल पीस ले लेना है। आप जैसे मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे आपको पीवीसी पाइप के ऊपर हमारा जो पीवीसी सर्कल वाला पीस है उसको रख के यहाँ पर आपको कट कर लेना है। आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा कर्व करके ही आपको कट करना है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई 100% देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वगैरह कमेंट कर सकते हो, जेन्युइन कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद इस पीवीसी पाइप का मिडिल में खोल कर देना जहाँ पर आपको मोटर को फीड करना होगा। इसके बाद मोटर के ऊपर मैं सुपर ग्लू ले रहा हूँ। आप सोचोगे भाई मोटर के ऊपर क्यों सुपर ग्लू ले रहे हो, मोटर तो ख़राब हो जाएगा। बट नहीं ख़राब होगा, क्योंकि आपको संभल के देना है जैसे मोटर नहीं खराब हो जाए। उसके बाद में जिस यहाँ पर मार्किंग लगाया वहाँ पर आपको छोटा छोटा कट लगाना है। ये बहुत ही ध्यान से करना, आप हो सके तो ब्लेड गैस में गर्म करके भी यहाँ पर पीवीसी पाइप को कट कर सकते हो। कट करने के बाद आपको देखना है ये मोटर में अच्छी तरह से फिट हो रहा है या नहीं। उसके बाद मैं देख रहे हो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से इसकी मैं होल नहीं कर रहा हूँ। सोल्डिंग आयरन से मैं पीवीसी पाइप को थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ और उसको बेंड कर रहा हूँ। ये आप गैस में भी कर सकते हो, आपको थोड़ा सा हीट करना है बेंड करना है, बहुत ही इजी काम है। मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा जो पीवीसी पाइप है उसके ऊपर सोल्डिंग आयरन थोड़ा सा चला रहा हूँ, वो थोड़ा सा इजी हो रहा है। और उसको मैं ऐसे देखो ये बहुत ही अच्छा ब्लेड हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा एयर भी देता है, ठीक है। मैं आपको दिखाई इसमें मोटर में मैंने इस ब्लेड को लगा दिया है। और मैं एक नॉर्मल सा 4 वोल्ट का जो बैटरी आता है 4 वोल्ट 1 एम्पियर उसे चला कर आप दिखा रहा हूँ। आप 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मोबाइल चार्जर से चलाओगे तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा एयर प्रोवाइड कर रहा है, आपके सामने लाइव है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा पेपर में एयर प्रोवाइड कर रहा है। और आपका फ़ोन कैसे कूल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। मैं बैटल ग्राउंड मोबाइल का मतलब पबजी फ्री फायर दोनों गेमिंग होगा, क्योंकि मैं कोई गेम की बुराई नहीं करता हूँ, मैं सब गेम को ही इक्वली खेलूँगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये फैन अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं फैन अंदर अटक जाए, ऐसा नहीं फैन अंदर लूज हो जाए, फैन अंदर एकदम फिक्स आना चाहिए। उसके बाद पीवीसी हमारा जो पीवीसी पाइप का सर्कल है उसमें थोड़ा सा साइड में होल कर देना, क्योंकि एयर वेंट के लिए वो काम में आ जाएगा। उसका जहाँ पर आपको मोटर लगाना है वहाँ पर एक मार्किंग लगा देना है, वहाँ पर आपको स्टैंड बनने के लिए वहाँ पर एक पीवीसी पाइप लगा देना है जो मैंने पहले दिखाया था। नहीं देखा तो वीडियो को पीछे जाके थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा मोटर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और उसके बाद हमारे कूलर के पीछे लगाना है। अब कूलर आप फ़ोन कैसे ठंडा होगा, फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है वो ऐसे ही डिज़ाइन होता है, फ़ोन कंपनी उसको ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं। उस प्रोसेसर जो फ़ोन का बैक प्लेट है उसमें हीट डाल देता है, जिससे कि बैक प्लेट ठंडा होगा तो प्रोसेसर भी ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं सुपर ग्लू से इसको लगा रहा हूँ और आपका बैक प्लेट ठंडा रहेगा तो आपका प्रोसेसर भी ठंडा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ऐसा एक यूएसबी पोर्ट यूज़ करने वाला हूँ, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, जो कि आप फ़ोन के पीछे रहता है या कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इजीली मिल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ बैक प्लेट देख गर्म देता है, हीट दे देता है, बैक प्लेट ठंडा होगा तो आपका फ़ोन का प्रोसेसर भी ठंडा होता रहेगा। और इसका जो फ़ायदा है सब मैं आपको वीडियो में बता दूँ। तो देख सकते हो ऐसा है मेरा कूलर, अंदर फैन है, कूलर बहुत ही औसम दिख रहा है और हम यहाँ पर कूलर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन के पीछे आपको ऐसे कूलर को लगा देना है और मैं बहुत ही जल्दी आपको गेम टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। देख लो ना, इतना देर वीडियो देख रहे हो तो पूरा देख जाओ और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नए हो तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत होता है भाई, बहुत मेहनत होता है एक वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम पहला गेम प्ले। यहाँ पर मैं पहले खेलने वाला हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मतलब पबजी। और यहाँ पर मैं हीट टेस्ट करने के लिए नॉर्मल जो टेम्परेचर मीटर आता है उसको यहाँ पर फ़ोन के पीछे सेलो टेप्स के मदद से लगा रहा हूँ, जिससे फ़ोन का बॉडी टेम्परेचर हम ये नाप सकते। देखो मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर दोनों गेम ही खेला हूँ, पबजी और फ्री फायर, क्योंकि कोई गेम का मैं बुराई नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो विदाउट कूलर 35.5 डिग्री मैक्सिमम गया है, बट ये विदाउट कूलर गया है और ये टेम्परेचर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, बट मेरा जो विद कूलर वाला है वो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद मैं खेल रहा हूँ फ्री फायर। फ्री फायर में कुछ ऐसा ही सीन था, मेरा जो विदाउट कूलर था उसमें बहुत ही तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और विद कूलर में धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। 2-3 डिग्री बहुत ज़्यादा फर्क होता है। देखो मैं तो सिर्फ एक मैच खेला हूँ, आप एक बड़ा बड़ा मैच खेलते हो, आप बड़ा मतलब पूरा जो बैटल ग्राउंड का जो मैप होता है मतलब एक 100 प्लेयर्स वाला जो होता है, मुझे इतना नहीं पता, मैं उतना ज़्यादा गेमिंग नहीं खेलता हूँ, उसको कंप्लीट करोगे तो देखो एक टाइम पे तो फ़ोन हीट होगा,
देखो मैंने भी खेलना स्टार्ट किया, फ़ोन हीट हो रहा था बहुत ज़्यादा, बट इसको आप टाइम दोगे तो कूलर को, ये धीरे धीरे आपका फ़ोन का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। ये 33 डिग्री मैक्स है, ये मैक्स है, ये फ़ोन का टेम्परेचर धीरे धीरे 32, 31, 30 भी कर देगा ये कूलर, ठीक है। मैं आपको मैक्सिमम टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ, और विदाउट कूलर मैक्सिमम 35 डिग्री, बट ये और भी बढ़ जाएगा। मैं टेस्टिंग किया था, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बट एक गेम के अंदर मेरा 35 आया, तो मैं आपको 35 भी बोल रहा हूँ। और 2 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत तेज़ी से 35 जाता है, इसमें धीरे धीरे 35 जाता है, और कुछ देर बाद ये घट भी जाता है। मैक्सिमम 35 टच करता है, उसके बाद 32, 31 ऐसा होता रहता है। तो वीडियो अगर चलो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझे खेलना नहीं आता तो इस रिलेटेड कोई कॉमेंट मत कर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।